आप देख रहे हैं सिटी मैम न्यूज़। मैं प्रीति चंद्रा एक बार फिर हाजिर हूँ देश और स्थानीय जनपद सहारनपुर की कोरोना अपडेट के साथ। लेकिन उससे पहले अगर आपने हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज सब्सक्राइब करें। देश में कोरोना वायरस के दैनिक मामलों में उतार चढ़ाव का सिलसिला लगातार जारी है। पिछले 24 घंटे में संक्रमण के 10,584 नए मामले रिपोर्ट किए गए। सोमवार के मुकाबले आज रिपोर्ट किए गए मरीजों की संख्या में भारी गिरावट आई है। कल संक्रमण के 14,199 नए मामले सामने आए थे। केंद्रीय स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय के आंकड़ों के अनुसार पिछले 24 घंटे में कोरोना वायरस के 10,584 नए मामले सामने आए। इस तरह देश में कुल संक्रमितों की संख्या बढ़कर 1,10,16,434 हो गई है। वहीं इस दौरान 78 लोगों ने संक्रमण के चलते अपनी जान गंवाई, जिसके बाद कुल मृतकों की संख्या बढ़कर देश में 1,56,463 हो गई है। देश में संक्रमण मुक्त मरीजों की संख्या बढ़कर 1,07,12,665 हो गई है। पिछले 24 घंटे में आपको बता दें 13,255 मरीजों ने कोरोना वायरस को मात भी दी और इलाज के बाद ठीक होकर अपने घर लौटे। वहीं देश में कोरोना वायरस के सैकड़े मामलों की संख्या लगातार 2 लाख के नीचे बनी हुई है। अब हम बात करते हैं जनपद सहारनपुर की, तो आपको बता दें जनपद सहारनपुर में फिर से कोरोना में बढ़ोतरी हो रही है। मुख्य चिकित्सा अधिकारी से मिली जानकारी के मुताबिक जनपद सहारनपुर में आज फिर 4 मरीजों में कोरोना संक्रमण की पुष्टि हुई, जिसके बाद संक्रमितों का आंकड़ा बढ़कर जनपद में करीब 10,000 पहुंच गया। वहीं आज जनपद में मात्र एक मरीज की रिपोर्ट नेगेटिव आई, जिसके बाद उसे अस्पताल से छुट्टी दी गई। लेकिन अभी भी जनपद में एक्टिव केस की संख्या 16 है, जिनका इलाज घर पर ही चल रहा है। स्वास्थ्य विभाग भी उम्मीद लगाए बैठा है कि फरवरी माह के अंत तक जनपद सहारनपुर पूरी तरह से कोरोना से मुक्त हो जाएगा। इसीलिए सहारनपुर को कोरोना से मुक्त करने के लिए सभी जनपदवासियों से कोरोना से बचाव हेतु सभी सावधानियां बरतनी चाहिए। सिटी मैप भी लगातार सभी जनपदवासियों से अपील करते हैं कि कोरोना से बचाव हेतु सभी सावधानियां बरते। सार्वजनिक स्थानों पर 2 गज की दूरी के पालन के साथ साथ मास्क का प्रयोग जरूर करें और साबुन से लगातार अपने हाथों को धोएं। कोरोना अपडेट को पाने के लिए हमारे चैनल को अभी सब्सक्राइब करें। आज का वीडियो आपको कैसा लगा, अपने विचार हमारे कमेंट बॉक्स में जरूर दीजिए।